की पार्वती पिता महादेव। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो बातें हमेशा याद रखना कि जो हमने खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो मेरे पास नहीं है वो ख्वाब है और जो पास है वो लाजवाब है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा, उसके बाद में घर के जो काम है ना वो मेरे सब कुछ हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो पूजा वगैरह कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाया, क्योंकि ना सुबह सुबह जो इतना ज़्यादा मतलब भाग दौड़ भरा जीवन रहता है, मैं दाल रख दी होने लगा। उसके बाद मैं सोचा चलो इतना पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा मिठाई वगैरह खा के। और डेली क्या करती हूँ मैं फ्रेश ना, कि मैं कभी कभी गर्म पानी पीती हूँ और कभी कभी ठंडा पानी, मतलब अगर टाइम है तो गर्म कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ठंडा ही पी लेती हूँ। बस यहाँ पे मैं पानी था वो मैं निकाली, और पानी मैं फ्रिज से नहीं ली हूँ फ्रेंड्स, पानी पहले से ही निकाल के रखे थे फ्रिज में। अभी पानी नहीं रखते हैं क्योंकि फ्रिज का पानी ना अच्छा भी नहीं होता है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो थोड़ा सा उसमें मिक्स करने के लिए कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे में मैं नॉर्मल पानी ही सब लोग पीते हैं। बच्चे मेरे हैं जो कि अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो वो बॉटल में रख के पी लेते हैं, तो इसलिए मैं सारा बॉटल भी हटा दी हूँ, बस दो बॉटल रखी हूँ जो कि मेरे बच्चे स्कूल लेके जाते हैं। तो यहाँ बस मैं पानी पी और उसके बाद अब चलूँगी किचन में, फटाफट से करूँगी काम और देखती हूँ आज बच्चे क्या लेके जाएंगे, क्योंकि आज मैंने ना आलू बॉयल किया था तो कल का ही पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ उसी का कचौड़ी बना दूँगी, तो बच्चे लेके चले जाएंगे क्योंकि ये कचौड़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके पापा को भी बहुत पसंद है। तो दाल चावल और मेरी सब्ज़ी जो है ना परवल की बन चुकी है, तो मैंने यहाँ पर देखिए कचौड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है, और कचौड़ी ना चाय वाय के साथ बड़ी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ। और शौर गर्ग ट्यूशन से भी ये थे, तो बस मैं बना रही थी और पूछ रही थी कि तुम लोग खाओगे या टिफ़िन में लेके जाओगे, तो वो लोग बोले मैं टिफ़िन में लेके जाऊँगा, खाऊँगा दाल चावल। तो यही है फ्रेंड्स ज़िंदगी, और इसी का नाम है ज़िंदगी, भाग दौड़ भरी होती है। लेकिन देखिए ज़िंदगी अगर भाग दौड़ भरी है ना तभी अच्छी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे, हमारा जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है ना, तो फिर हम वो उदास रहेंगे, तो इसलिए अपने जीवन में काम करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, मैं सपना पांडे और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है। तो ये देखिए ये भूत लोग आ गए हैं स्कूल से, और आते आते मिली प्रसाद गणेश जी का, ये फ्राइड राइस है, तो गार्गी खा रही है, सौर नहीं खाए अभी, अभी आएंगे इधर से ही। और अच्छा है फ्रेंड्स, ना हम लोग कल ना गए थे गणपति देखने, तो सच्ची बता दूँ मतलब सब कुछ सही बात है फ्रेंड्स, सब कुछ ना भाग्य से होता है, भगवान की कृपा से होता है। तो हम लोग मतलब छुट्टी हुई थी, इनके पापा आ गए थे, और कल विश्वकर्मा पूजा था, थोड़ा छुट्टी टाइप का ही था, तो आए तो वो नहर के पास, यहाँ बगल में ही नहर है ना, तो जो मतलब लिमिटेड मूर्तियाँ थी जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, तो वो यहीं पर विसर्जन कर रहे थे। तो हम लोग गए तो एक गणेश जी बहुत ही प्यारे से बैठे हुए थे उनका, तो वो लोग जस्ट पहुँचे ही थे, हम लोग पहुँचे आरती वगैरह कराए, मतलब सब लोग बोलते हैं ना कि एक भगवान की कृपा से सब कुछ होता है, सच्ची बता। अगले साल भी हम लोग फ्रेंड्स ना क्या हुआ कि हम लोग भंडारा खाने गए थे, ऐसे ही मतलब घूम रहे थे भंडारा खाने गए थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ थी, तो हम लोग सोचे कैसे खाएंगे मतलब कैसे लें, बहुत भीड़ है लाइन में, कैसे मतलब बहुत धक्का मुक्की रहता ना। तो सच्ची बता दे रही फ्रेंड्स, एक लड़का आया जो कि मतलब वो फिर हम लोग को उस पंडाल में कहीं नहीं दिखा, हम लोग बहुत ढूंढे उसको, क्योंकि उन्होंने वो सामने से आया और बोला कि आप लोग को भी प्रसाद खाना है, तो हम लोगों ने बोला हाँ, तो वो फिर दिलाया, मतलब खिचड़ी था, खिचड़ी के साथ चटनी था ना, टमाटर की चटनी थी फ्रेंड्स, मतलब वो प्रसाद नाम है, आज तक उसका स्वाद नहीं भूल सकती और उस इंसान को नहीं भूल सकती। बोलते हैं ना कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो सही बात है फ्रेंड्स, अगर आस्था है भगवान पे, उनके भरोसे हम रहते हैं ना, तो वो हमारी जो नैया है ना उसके जरूर पार लगाते हैं। तो कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, दिली इच्छा थी कि हम लोग मतलब हस्बैंड बोले चलो तुम लोग को दिखाते हैं विसर्जन, तो हम लोग गए, तो वहाँ पे गणेश जी बैठे हुए थे, जस्ट पहुँचे ही थे, तो हम लोगों ने उनके ऊपर अक्षत वगैरह सब कुछ पूजा किया, बहुत अच्छे से किया, और वो लोग भी और बड़े अच्छे थे, मतलब सपोर्ट किए, पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और पूजा किए, फिर हमारे मेरे हस्बैंड ने उनको विसर्जन किया और मेरा बेटा भी था, हम लोग आरती किए, उसके बाद में विसर्जन किए। तो अभी क्लिप लगाऊंगी, आप लोग देखना, मैं तो वीडियो बना रही थी, मेरी क्लिप कोई रिकॉर्ड नहीं किया, पानी था पीछे इसलिए मैं बच्चों को मोबाइल दी नहीं थी, लेकिन सब कुछ करी, तो सब जो होता है ना वो भगवान की कृपा से होता है, कभी भी निराश मायूस अगर हम उनके भरोसे रहते हैं ना, तो वो हमारे लिए जरूर पार लगाते हैं। तो ये देखो ये लोग क्या लिए हैं, दिखाओ, ये चूरन है फ्रेंड्स, ये इस टाइप का चूरन हम लोग भी बचपन में खाए हैं, लेकिन वो ना एकदम प्लेन उसमें आता था, प्लेन पैकेट में, लंबा सा रहता था, पीछे काला वाला रहता था, बापरे खाने पर ना जीभ कट जाती थी।
कौन कौन बचपन में खाया है ये चीज जरूर बताना। कुछ बचपन की जो छोटी छोटी यादें होती है ना आ जाती है। और अभी मैं क्लिप लगा रही हूँ तो आप लोग देखना जरूर कि कैसे मैंने गणेश जी का विसर्जन किया। हम लोग ने पहली बार हमने ये काम किया तो हमको बहुत मतलब बहुत खुशी हुई। और एक गणेश जी तो कार में बैठ के आए थे, छोटे से थे गणेश जी, बहुत ही प्यारे से, तो वो भी आपको क्लिप, हाँ पुलिस लिखा हुआ था उसमें, तो वो भी क्लिप लगाऊंगी आप लोग देख लेना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था प्रेस। और देखिए क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना वो अगर बोलते हैं ना कि जीवन साथी अच्छा है तो सब कुछ सपने धीरे धीरे सच हो जाते हैं, तो सही बात है फ्रेंड्स। और मेरे हस्बैंड क्या है ना कि वो हम लोग की ना छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं कि हमको छोटी छोटी चीज़ दिखाते हैं, मुझे भी बच्चों को भी खास कर। मैंने कहा कि मैंने कभी विसर्जन नहीं देखा है तो ले गए वहाँ पे, और हमने देखा था विसर्जन माँ दुर्गा जी का, वो भी जब हम वेस्ट बंगाल में थे ना वहाँ पे देखा था मैंने, लेकिन वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं देख पाई थी क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है, नदी है ना तो वहाँ पे विसर्जन करते हैं ब्रिज के नीचे। और यहाँ पे फ्रेंड्स तो मत पूछिए ऐसा, तो मतलब घर का भी करेंगे ना तो परिवार नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छे से कर लिए। मैं क्लिप लगा रही हूँ आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते रहिए, तब तक मिलती हूँ आप लोगों से। बोलो नमो धर्म महाराज की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मौर्य। अगले बरस तो जल्दी एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता गणपति की जय जयकार, जल्दी आना।